नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M12 versus Lava Z2 Max का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M12 में 6.46 इंच जबकि Lava Z2 Max में 6.88 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M12 में 2.99 इंच जबकि Lava Z2 Max में 3.09 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M12 में 0.38 इंच जबकि Lava Z2 Max में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M12 में 221 ग्राम्स जबकि Lava Z2 Max में 216 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M12 में RTFT LCD जबकि Lava Z2 Max में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy M12 में 20:9 जबकि Lava Z2 Max में 20.5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M12 में 6.5 इंचेस जबकि Lava Z2 Max में 7.0 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M12 में 720x1600 और Lava Z2 Max में 720x1640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M12 में 81.95% जबकि Lava Z2 Max में 84.87% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M12 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Lava Z2 Max में 256 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Lava Z2 Max की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M12 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Lava Z2 Max की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M12 में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Lava Z2 Max में MediaTek Helio A20 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Lava Z2 Max में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 2GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Lava Z2 Max में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M12 में अप टू 1TB जबकि Lava Z2 Max में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy M12 में Android V11 जबकि Lava Z2 Max में Android V10 क्यूब देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M12 में 3 कलर्स जबकि Lava Z2 Max में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें लावा Z2 Max की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,799 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy M12 में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें लावा Z2 Max की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M12 आगे है, मेन कैमरा में Galaxy M12 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A12 है जो कि 12,670 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy F12 है जो कि 8,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M3 है जो कि 11,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।